आज के जो सहयोगी कलाकार हैं, मेरी ओर से पहला गीत आपके लिए प्रस्तुत किया जा रहा है। कौन सा बेटे, कौन सा? एक धुन आई है, कौन सी? उनसे मिले जब पहली बार, उनसे मिले जब पहली बार, उनसे हो गई सही कह रहा है। बात उस समय की है, पुत्र का नाम है प्रहलाद, पिता बड़ा अत्याचारी है भैया, देखे रहो, पिता ने देखा, क्या देखा कि मेरे मना करने के बाद भी मेरा ये पुत्र बार बार उस हरि का नाम ले रहा है, हरि का नाम, उस भगवान का नाम ले रहा है, और जितना समझा रहा हूं उतने उससे दुगना काम कर रहा है। तो देखिए, कभी तो उनके पिताजी अपने छोटे से पुत्र को पहाड़ से नीचे गिरा रहे हैं, कहीं हाथी के पैरों के नीचे कुचलवा रहे हैं, तमाम प्रकार की यातनाएं दे रहे हैं उस छोटे से बालक को। लेकिन जब भैया मानोगे नहीं, तुम ना मानो हम ही माने जा रहे हैं। और जब
जब उस छोटे से नन्हे से बालक पर अत्याचार की हद कर दी, अपने सेवकों से कह करके उस नन्हे से बालक पर कोड़ों से प्रहार करवा रहा है, उसके पीठ पर कोड़े बरसाए जा रहे हैं। अब देखिए पीठ पर कोड़े तो प्रहलाद के पड़ रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है? क्या हो रहा? प्रहलाद प्रहलाद पर पिता ने जलवाए, अरे कोड़े पिता ने चलवाए तो जख्म हरी के हैं पाए, उसके निशान भगवान की पीठ पर दिखाई पड़ रहे हैं, भगवान श्री हरि विष्णु के। अरे कोड़े पिता ने चलवाए तो जख्म हरी के हैं पाए, उधर है कैसे? कैसे? अरे एक्शन है इधर तो रिएक्शन उधर है, अदर रिएक्शन इधर है, यानी कि कोड़े तो बरसाए गए प्रहलाद की पीठ पर, लेकिन जख्म भगवान हरि के पीठ पर पाए गए। एक टुकड़ा और देखें आप, क्या है? तो गरम दूध जब है पिलाया, राधा रानी को गरम गरम दूध सत बाबा ने पिलवा दिया। अब देखिए गरम दूध तो राधा रानी ने पिया, लेकिन हुआ क्या? तो गरम दूध जब पिलवाया तो छाले कन्हैया के पाया, कन्हैया के पैरों में छाले पड़ गए। और देखा जब कन्हैया के पैरों में छाले पड़ गए तो लाइन ले रही है कि सपोर्टर है इधर, सपोर्टर है इधर, सपोर्टर है इधर, तो ऑब्जेक्शन उधर है। जैसे जैसे अरे एक्शन शिष्यों के साथ आ गए, लेकिन उस समय द्रौपदी अपना जो अक्षय पात्र था वो धूल मान के रख चुकी थी, और जब तक द्रौपदी भोजन ना कर ले उस अक्षय पात्र से भोजन निकलता था, लेकिन द्रौपदी ने भी भोजन कर लिया। अचानक शिष्यों के साथ दुर्वासा मुनि आ गए, अब एक समस्या खड़ी हो गई कि आखिर किया क्या जाए। कन्हैया को याद किया द्रौपदी ने, कन्हैया आए और उस बर्तन में एक चावल की किनकी चिपकी हुई थी, उस चावल की कनकी को खा लिया,
उधर 60,000 शिष्यों के पेट भर जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि एक्शन इधर है लेकिन रिएक्शन उधर हो रहा है। एक आखिरी टुकड़ा और देखें आप लोग, वो क्या है? तो चावल की भगवान कन्हैया लाल, अरे कन्ह की सुदामा की खाके जो चावल की कन्ह की बांध चले गए, दो मुट्ठी चावल की कन्ह की खा लिया, हुआ क्या? क्या हुआ? तो कन्ह की सुदामा की खाके दो लोग की लक्ष्मी दिला के उनको दो लोगों की लक्ष्मी प्रदान कर दिया उन्होंने, दो लोग की लक्ष्मी दिलवा के। इसलिए कहना पड़ा क्या कलेक्शन है इधर, कलेक्शन है इधर, कलेक्शन है इधर, तो सिलेक्शन उधर है। अरे एक्शन है इधर तो रिएक्शन उधर है। श्री कृष्ण भगवान की गाना गाए क्या देखा उन्हें जब पहली बार, कहाँ जा रहे भैया? खुद से मिली नजर तेरे हो उड़ गए। एक्शन है इधर तो रिएक्शन उधर है। पहला गाना अंग्रेजी का है, पहला गाना अंग्रेजी का, पेपर में पहला पेपर हिंदी का होता है, ये बात सही है, लेकिन इधर जवाबी का है तो इंग्लिश। जवाब सुनेगा, जालंधर 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 रण को आया, बेटे
ये कृष्णा के बाबा राजा जी देवीपुर चौराहा, चाचा देवीपुर चौराहा कृष्णा के, हाँ इनकी तरफ से 100 रुपए का आशीर्वाद आया है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जालंधर, अरे जालंधर रण को आयो, अरे शिव का रूप है तरसाया। जालंधर जो शिव की तरह दिखता है, बिल्कुल, लेकिन वो शिव जी है नहीं ना, बिल्कुल शिव जी की तरह दिखता तो है लेकिन वो शिव जी नहीं है। जालंधर रण को आया, शिव का रूप है दर्शाया। शकुन सुनाया, देवताओं ने कह दिया क्या? अब दोनों अगर आमने सामने खड़े हैं, उधर शिवजी उधर जालंधर, और दिख दोनों एक जैसे रहे, तो देवता कह रहे हैं क्या? अरे गॉड है इधर, जो परमात्मा है, गॉड है इधर, गॉड है इधर। बुआ जी लिखिए, बुआ जी गॉड है इधर। नाना जी आ गया, अच्छा कृष्णा के नाना है, नाना जी देवीपुर चौराहा राजा जी चाचा, कृष्णा के नाना जी आप तो सिंहासन पे आ गए, मामा जी भी आने वाले हैं, तो क्या कृष्णा का ही जन्मदिन था क्या? और क्या, अच्छा अब पिताजी के आप हैं, चाचा हैं, पिताजी, अरे तो काहे चुपचाप बैठे हो, आपको तो बहुत जल्दी आना चाहिए। इतनी बड़ी बात छुपा के रखे, लिखो बुआ जी, गॉड है इधर, गॉड है इधर, गॉड यानी भगवान, गॉड है इधर उधर सर्वे है, उनकी तपस्या करके जालंधर बना, फिर राज शिव जी गॉड है इधर, गॉड है इधर, गॉड है इधर उधर सर्वे है। और इन दोनों में, इन दोनों में टेंपरेरी है इधर, एक टेंपरेरी है, बहुत जल्दी मारा जाएगा। है इधर उधर परमानेंट है, गाना काट दियो, अरे सवदिया जी वाह वाह, क्या कलम चला, प्रेरी है इधर उधर परमानेंट है, इधर टेंपरेरी उधर परमानेंट, ये परमानेंट है। कृष्णा के फूफा जी, कृष्णा जी के फूफा जी तरफ से 100 रुपए का आशीर्वाद आया, आप तबो से आए हैं, अरे वाह, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। गॉड है इधर यानी गॉड माने भगवान, गॉड है इधर, गॉड है इधर उधर सर्वेंट है, महाराज दिखने वाला
एक व्यक्ति लड़ने चला आया जिसका रंग है ग्रीन हरा। कथा को समझते रहिए आप लोग। हनुमत से लड़ने हनुमत आए एक सी पाए अरे समर में समर हुआ भारी लड़ाई चालू हो गई समर में समर हुआ भारी देव धनुज सब चकराए बोले परमात्मा ये दोनों लड़ रहे हैं इसमें से असली वाला कौन है तो कहने लगे क्या डुप्लीकेट है इधर ये बात सही है डुप्लीकेट है इधर अरे डुप्लीकेट है इधर तो उधर ली सेंट है उधर असली है टेम्पररी हो माता सीता ने अजर अमर होने का वरदान हनुमान जी महाराज को दे दिया गया। सात चिरंजीवी में एक चिरंजीवी देवता हनुमान जी महाराज है। जहां भी भागवत कथा होती है किसी ना किसी रूप में हनुमान जी महाराज बैठ जाते हैं। आज भी कलयुग में कहा जाता है इसी बात हमारे कृष्णा के मामा जी रहमान कलेना के निवासी आप हम तो से एक रुपया है और कृष्णा के जितने रिश्तेदार हैं वो जल्दी जल्दी चले आवे हम कह रहे थे मामा जी आने वाले आ गए वो भी परमानेंट है। आज भी कलयुग में कहा जाता है जहाँ राम कथा होती है जो व्यक्ति सबसे पहले आता है जो व्यक्ति कथा होने वही व्यक्ति कथा होने के बहुत देर बाद जाता है वही हनुमान जी महाराज का रूप होता है। तो टेम्पररी है इधर उधर परमानेंट टेम्पररी सच्चे दरबार की जय।